हेलो अस्सलाम वालेकुम टुडे इज़ द लेक्चर नंबर सिक्स और लेक्चर नंबर सिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फर्स्ट टू ऑब्जेक्टिव्स हम लेक्चर नंबर सिक्स के अंदर कवर करेंगे सेकंड ट्राई uh, करेंगे फर्स्ट थ्री ऑब्जेक्टिव लेक्चर नंबर सिक्स में कवर किए जाएँ नेक्स्ट थ्री ऑब्जेक्टिव्स लेक्चर नंबर सेवन में कवर किए जाएँ और लास्ट टू ऑब्जेक्टिव जो है लेक्चर नंबर एट के अंदर हम कवर करें तो लेक्चर नंबर सिक्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अबाउट दी सी प्लस प्लस के सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा तो स्टडी करें पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं जनरल फॉर्म ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या हम जनरल फॉर्म देखेंगे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम किस तरह राइट करते हैं उसका जनरल फॉर्म देखेंगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे उसके बाद कुछ की वर्ड्स हैं वो देखेंगे और की वर्ड्स का यूज देखेंगे की वर्ड किस को कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे सो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस c is a programming language developed in 1917s. alongside unix operating system, c provided the compressive set of features for handling a wide variety of applications, such as the development and the scientific computations. c++ isn't the extension of the c language. in red, the, in the most c programs are also c++ programs. so basically, जो C प्लस प्लस के अंदर अनाउंसमेंट है कि आपने दो बार मज़ीद अनाउंसमेंट किए C के अंदर एंड लैंग्वेज इज द एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज सी प्लस प्लस एज अपोजिटी ऑब्जेक्ट ओर बेस बेसिकली C लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज है फंक्शनल बेस्ड लैंग्वेज है स्ट्रक्चरल बेस्ट लैंग्वेज है सिमिलर वे सी प्लस प्लस भी प्रोसीजरल भी है एज वेल एज दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है ठीक है बहुत फीचर्स इसके पास अवेलेबल है सी के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स अवेलेबल नहीं है दे आर नॉट सपोर्ट दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सो इसके मजद आप मजीद सी के बारे में या सी प्लस के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप इजीली गूगल पे सर्च करें या तो मजीद आप वहीं से सी प्लस प्लस के बारे में स्टडी कर सकते हैं जो होती है आपके, पास, उसके आप जो होते, आपके जो है वो आप एड करते हैं उनको एड करने का एक तरीका है ठीक है उसके लिए ऐड करने के लिए पहले आप सिंपल लिखते हैं लाइक like आप मैं ठीक uh, है तो स्टार्टिंग में पहले आप सिंपल राइट करते हैं जैसे ही आप सिंपल यहाँ पे राइट करेंगे कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेगा क्योंकि कंपाइलर के पास ये सिंबल पहले से डिफाइंड है इंक्लूड की वर्ड इनक्लूड इज़ ए की वर्ड ये एक की वर्ड है और की वर्ड्स की कोई ना कोई पर्पज़ होता है कोई ना कोई मीनिंग्स है दे आर ऑलरेडी डिफाइंड ये की वर्ड्स पहले से डिफाइंड है कंपाइलर के पास जैसे ही आप की वर्ड्स लिखेंगे तो कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेगा कंपाइलर समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है ठीक है उसके बाद जब आप डायरेक्टिव यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं तो एंगल ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे और एंगल ब्रेसेस ब्रेस को क्लोज भी करेंगे उसके दरमियान आप अपना डायरेक्टिव अपने हेडर फाइल का नाम लिखेंगे लाइक लाइक आई राइट स्ट्रीम फाइल ठीक है आप एक फाइल भी एड कर सकते हैं एक से ज्यादा हेडर फाइल्स भी आप ऐड कर सकते हैं लाइक दैट इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल एफ स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम दिस इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आई इज इंडिकेट इनपुट ओ इज इंडिकेट द आउटपुट इसके अलावा भी बहुत सारे यहां पे कर सकते हैं। भी आप क्रिएट कर सकते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो डबल कोटेशन के अंदर लिखे जाते हैं लाइक डाइट फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड दैन डबल कोटेशन दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिएट किया एक शेप का file, तो आप लिखेंगे यूजर like डिफाइन की सिंगल कमेंट्स like है सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल स्लेश दिया जाता है ठीक है और कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर करता है आगे चल के हम कमेंट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे तो इस वक्त ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैसेज है ये सिर्फ यूजर डेवेलपर के लिए है इंडिकेशन दे रहा है कि ये यूजर डिफाइन हेडर फाइल है ठीक है सो दिस टू ईट दायरेक्टिवस एड थी डायरेक्टिव टू एड थी डायरेक्टिव कह सकते हैं, इनको आप भी कह सकते हैं। okay. so, इसके जहां पे ये डायरेक्टिव डिफाइन है आप कंपाइलर को बताते हैं वो नेम स्पेस आपको बताते हैं जहां पर लाइन राइट की जाती है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी स्टैंडर्ड स्पेस को यूज किया जाए जहाँ पे ये दोनों फाइल्स आपके अवेलेबल हैं ये फाइल आपका वहाँ पे अवेलेबल होता है जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ठीक है आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं ये वहाँ पे फाइल क्रिएट होता है ठीक है ये दोनों जो डायरेक्टिव्स हैं ये आपके यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी जो नेम स्पेस आप स्टैंडर्ड का यूज करें वहाँ पर डिफाइन है वहाँ से कंपाइलर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा ओके उसके बाद यू हैव द राइट एंड हर प्रोग्राम का हर लैंग्वेज के अंदर जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होती है स्टार्टिंग फंक्शन होता है ठीक है ना स्टार्टिंग पॉइंट से मुराद है कि स्टार्टिंग फंक्शन होता है वो मॉड्यूल भी हो सकता है वो कोई फंक्शन भी हो सकता है तो सी प्लस प्लस का भी स्टार्टिंग फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन और उस फंक्शन की कोई ना कोई डेटा टाइप होती है तो यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर वाइड भी डेटा टाइप है उसकी इंटीजर भी है तो आई राइट हियर द इंट मेन एंड फंक्शन की सिग्नेचर दिस इज द फंक्शन सिग्नेचर ब्रेसिस देन बॉडी ऑफ द फंक्शन ठीक है ये फंक्शन की बॉडी है जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को फंक्शन यूज़ किए जाते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इस फंक्शन का नाम है मेन इस फंक्शन की सिग्नेचर है ये इज ब्रेसिस फंक्शन सिग्नेचर ये फंक्शन की सिग्नेचर है आइडेंटिफिकेशन है इस सिग्नेचर से सिग्नेचर सिग्नेचर uh, से ही हमें पता चलता है कि ये फंक्शन है ठीक है और इस फंक्शन की डेटा टाइप है वो जिसका लगता है इंटीजर तो दिस इज बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम क्योंकि ये फंक्शन इंटीजर टाइप का है इसलिए ये फंक्शन कोई इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा इन लास्ट तो रिटर्न रिटर्न है आप रिटर्न टेन भी कर सकते हैं रिटर्न ट्वेंटी भी कर सकते हैं थर्टी भी कर सकते हैं इट्स अप टू भी कर सकते हैं पर उमूमा हम जो रिटर्न करते हैं वो जीरो करते हैं ठीक है तो दिस इज बॉडी ऑफ द योर फंक्शन

वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स उसके बाद आप स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं दिस इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मेन ऑफ योर प्रोग्राम ये स्ट्रक्चर है आपके प्रोग्राम का ठीक है आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हैं आगे चल के हम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी स्टडी करेंगे उसके बाद आप उनको भी डिफाइन कर सकते हैं यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स भी बनते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बनते हैं ठीक ओके ओके नेक्स्ट सी प्लस प्लस की वर्ड तो कीवर्ड्स की कोई ना कोई मीनिंग है ओके तो ईच कीवर्ड हैज़ अ प्री डिफाइंड परपज़ इन अ लैंग्वेज हर कीवर्ड की वर्ड हैज अ प्री डिफाइंड प्रीडिफाइंड उनका कोई ना कोई प्री डिफाइंड परपज़ है इन द लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर डू नॉट यूज़ द कीवर्ड एज अ वेरिएबल आप कभी भी कीवर्ड एज आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं कर सकते मीन्स वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते कॉन्सटेंट नेम वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्लास नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से डिफाइन होते हैं जब कोई चीज पहले से डिफाइन है तो उसको आप अगेन दोबारा डिफाइन उस नेम के साथ नहीं कर सकते जैसे पाकिस्तान है तो दूसरा पाकिस्तान नहीं बन सकता ठीक है पाकिस्तान की पहले से डिफाइन है ठीक है इसी तरह जो की पहले से डिफाइन है उनको आप अगेन दोबारा डिफाइन एज अ नेम नहीं कर सकते ठीक ओके द लिस्ट ऑफ द कंप्लीट की वर्ड लाइक दै बड है आपके पास है ब्रेक की वर्ड है केस है करेक्टर है कॉन्स्टन है कंटिन्यू है

शॉर्ट है के है, स्ट्रक है, सूचे टाइप डिफाइन है ट्रू है, है वाइट